हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फ्रीकी अली वर्सेस बाल बाल देखो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, एक हफ्ते का कलेक्शन दोनों मूवी का सामने आ चुका है और इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कलेक्शन कितना था, उसके बाद हम बात करेंगे कि फिल्म कितने आगे जा सकती है आने वाले हफ्तों में और उसका कैसे कैसे किससे किससे कॉम्पिटिशन होगा। तो कलेक्शन की बात करें तो फ्रीकी अली ने पहले हफ्ते में जो कमाई की है वो 13.60 करोड़ की कमाई की है, यानी कि 13.5 करोड़ के ऊपर फिल्म ने कमा लिए है। वही बात करूंगा बार बार देखो की, तो बार बार देखो ने 29 करोड़ के ऊपर की कमाई कर ली है। तो दोनों फिल्म का देखा जाए तो फ्रीकी अली की जो अर्निंग है उसके बजट जो था 19 करोड़ से, उससे एक हद तक ठीक अर्निंग है। वहीं देखा जाए तो बार बार देखो एक हैवी बजटेड फिल्म थी, मेगा बजटेड फिल्म थी, उसकी जो लागत थी 40 से 45 करोड़ थी और उसकी जो अर्निंग थी तो 29 करोड़ तक सीमित रह गई है पहले हफ्ते के बाद। तो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली जरूर बात है बार बार देखो के लिए। और दूसरे वीक में इन दोनों फिल्मों को जो टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है पिंक मूवी से और राजीबूट मूवी से। पिंक मूवी और राजीबूट मूवी सिनेमाघरों में आ चुकी है, तो दोनों मूवी आपको बता दो दोनों मूवी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देगी बार बार देखो और फ्रीकी अली को। और देखने वाली बात होगी कि दूसरे हफ्ते में किस तरह से जो दोनों फिल्में हैं बार बार देखो और फ्रीकी अली किस तरह से टिकी रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दूसरे से तीसरे हफ्ते तक फ्रीकी अली बार बार देखो सिनेमा पर्दों पर ही रहेगी। 3 हफ्ते के बाद शायद जरूर उतर जाए क्योंकि दोनों फिल्में जो रिलीज हुई है वो एक अच्छी फिल्म बताई जा रही है। इमरान हाशमी की जो फिल्म है राजीबूट उतनी खासा तो नहीं है लेकिन लोग जरूर देखने जाएंगे इमरान हाशमी के फैंस। वहीं पिंक मूवी एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर रुख करेंगी इस फिल्म को देखकर। तो दोनों फिल्म जरूर खा जाएगी बार बार देखो और फ्रीकी अली को आने वाले दिनों में। बट स्टिल फ्रीकी अली बार बार देखो से हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक अच्छी फिल्म है और दूसरे हफ्ते में भी ये डिसेंट कमाल करेगी ऐसा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं जो अपर हैंड रहेगा वो आई थिंक जो लेटेस्ट रिलीज फिल्म है राज रिबूट और पिंक मूवी का ही रहेगा। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा और तब तक के लिए लेता हूँ आप सबसे अलविदा। चलिए बाय।